वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो पता है आज क्या हुआ था कि ना, मतलब मैं 11 बजे, अब 11 बज रहे हैं, मैं अब नहा के आई हूँ। हम उठे थे 9:30 बजे क्योंकि रात को सोए थे हम कितने बजे, शायद 1 बजे। फिर उसके बाद वीर तो जल्दी उठ गया था क्योंकि वो जल्दी सो गया था, तो मम्मी ने मम्मी को उससे परेशान कर दिया बिल्कुल बुरी तरह। क्या था ये तो बता दो, आज टाइम मैंने बता दिया, आज आज तो खुशहाल आज मुझे अपने बर्थडे के लिए शॉपिंग करवा के लाएगा। तो खुशहाल हम कब चलेंगे बर्थडे पे? तेरे को शॉपिंग करवानी, मेरे को शॉपिंग आप करवाओगे भाई मुझे? उल्टा, यस उल्टा, चोर कोतवाल फुटाते। ये तो कोई तुक नहीं बनता, क्या होता है इसका मतलब? कुछ पता भी, मतलब कुछ भी पता है इसका मतलब क्या होता है? हाँ, बर्थडे मेरा, गिफ्ट तेरे को देना चाहिए मेरे को। एक बात हो रही है, जब भी यहाँ पे आती है मेरे कपड़ों को ऐसे फंसा लेती है जैसे इसी के हो रही है। ये मेरा हक है, ये मेरा ब्लड में है, ये राइट है मेरा, इसके कपड़े, क्योंकि मुझे इसके कपड़ों में ना मैं खुद बहुत अच्छी लगती हूँ। कहते हैं ना, मांगे हुए कपड़ों में अच्छे लगते हैं। तो गाइस अब हम जाएंगे, मेरा सूगलासा, आज हम जाएंगे विदेश। क्या है तू, मतलब कुछ भी। yes, गाइस ये पागल है, ये लड़का ये पागल हो गया है जिसका बर्थडे है। तो अब ये 21 साल का हो गया है, अब ये बुढ़ा होता जा रहा है दिन पे दिन, तो अब ये बस पिटता रहेगा मेरे पे, चाहे कितना जवान, तो ये कितना ही बुढ़ा होता जाए मेरे से पिटता, तो जवान ठीक है इडियट। तो गाइस फिर मिलते हैं थोड़ी देर। गाइस अब वीर भी नहा लिया, मैं भी, अब हम दोनों जा रहे हैं ऊपर खाना खाने। जूते का क्या करें, एक पैर रखा एक ना पैर रखा, ठीक है आज तू भी आज खाना खा लियो, क्या बना है पता नहीं। तो गाइस अब देख के आते हैं क्या बनना है, फिर मिलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। चल रही है ठीक, यहाँ पे कोई आया है तो मैं बना रही हूँ चाय क्योंकि भाभी रही है ना। और अब मैं ठीक है मम्मी जी ले जाऊँगी, अब मैं चाय बना के फिर खाती हूँ खाना क्योंकि मुझे लग रही है भूख। चाय भी बनने वाली है, उसके बाद मेहमान आ रहे थे तो चले गए बिना चाय पिए, ऐसे ही ऐसे आए थे। तो फिर अब उस चाय को हम ही पी लेते हैं, क्यों वेस्ट करें। तो खाना खाते हैं तो चाय पीते हैं। तो फिर गाइस मैंने वीर ने भी खाना खा लिया, अब वीर सोने के उसमें, वीर का बस मूड बहुत ख़राब हो रहा है क्योंकि इसको नींद आ रही है बहुत ज़्यादा तेज। और अब इसे सुलाएंगे, इसे सुला के फिर मैं और खुशहाल जाएंगे शॉपिंग करने। तो मम्मी इसे सुला देगी, हाँ बोल आ रही ठीक है। तो गाइस फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, वीर को सुलाते हैं तब तक, जब तक हम घूम आते गाइस। बाय बाय गाइस, चलते हैं हम शॉपिंग करने। ये गुच्ची बॉय अपने शूज पहन रहे हैं, बन रहा है इधर आ रहा है ज़्यादा अपने मन में पहन के ट्रैक सूट, ये तो नहीं जल्दी जल्दी चल रही, फिर वीर उठ जाएगा, फिर ये ज़्यादा ड्रामे करके दिखाएगा, फिर कहो वीर उठ गया वीर उठ गया। तो गाइस अभी हम चलते हैं फिर। हेलो गाइस, कैसा लग रहा हूँ कमेंट करके जरूर बताओ। ये कोई नहीं बताएगा कमेंट करके। तो गाइस फिर चलते हैं, ये हमारी वेन्यू रेडी है, अब इशू धविताएं उससे पहले चलते हैं, नहीं फिर भी आके रोएंगे कि हमें भी ले चलो। तो फिर चलते हैं गाइस, मिलते हैं बाद में। गाइस फिर अब हम निकल रहे हैं, मैं और खुशहाल, अभी दरवाज़ा बंद कर देते हैं फिर चलते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं, देखते हैं कहाँ लेके जाता है। मैंने तो बोला भाई एविवास में चलेंगे। गाइस हम आ गए एडिडास में, तो भाई मजाक की बात सारी छोड़ दू, अब जो तुझे अच्छा लगे वो तो ले लियो, बिल्कुल चिंता मत करे। हाँ मैं दुआ अपने भाई, आई लव यू सिस्टर, आई लव यू टू, सब है इस ना इसने मैं धक धक कर दी ओके यार मेरे ही ना ना ना, ऐसी कोई चिंता वाली बात ना है खुशहाल, जो तुझे अच्छा लगे वो ले लेना, फिर सेम मेरे ऊपर है, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं ले लूंगी, ठीक है वो मैं दुआ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो गाइस फिर मिलते हैं, हम आ गए एडिडास में तो चलते हैं। टाइटीज मैं पहले अपनी टाइटीज देखती हूँ कौन सी अच्छी लगती है, फिर लेते हैं।
चलो यहाँ पे कोई हुडी पसंद आ जाता है तो हुडी भी ले लेती हूँ। येलो वाला काफी अच्छा लग रहा है, पहन के ट्राई करती हूँ एक बार। फिर मिलते वीर के, बड़ी रहेगी, बहुत ज्यादा बड़ी रहेगी। वीर के लिए नहीं लेंगे, वीर की शॉपिंग हो गई कम्प्लीट। तो गाइस फिर मिलते हैं, ऐसे तो पूरी शक्ल बना के चल रही क्योंकि कुछ है ही नहीं अच्छा सा। अब चलते हैं कहीं और देखते हैं, कुछ मिलता है तो इसको भी दिलवा देते हैं। इसे भी कुछ पसंद नहीं आ रहा, शूज ऐसे पसंद कर रहा है जैसे खुद पहन के आया है। अब पहन रखे हैं ऐसे ही उसे पसंद आ रहे हैं, ऐसा इसको पता है। मैं दोनों ही एक से आगे हम तो ठीक है। इस फिर चलते हैं कहीं और देखते हैं, अब इसे भी दिलाते हैं खुद भी लेते हैं। कहीं पे भी कुछ पसंद नहीं आया, रेटे में गए थे वहाँ भी अच्छा नहीं, वहाँ पर टाइटीज मिली ही नहीं, तो मुझे टाइटी चाहिए थी तो हम स्केचर्स में आ गए। फिर जब स्केचर्स में अच्छी लगे दो टाइटी वो हमने ले ली। ये कह रहा है मुझे नहीं चाहिए अभी कुछ भी फिलहाल, तब चाहिएगा तब बता दूंगा, बर्थडे गिफ्ट पेंडिंग है मेरा। पर ठीक है भाई, तो गाइस फिर मिलते हैं हम। अभी मैंने टाइटीज ले लिया, दिखाती हूँ बोलते हैं टाइटीज। अब भाई बिल कर रहा है तो फिर अब चलते हैं। और तो कुछ अच्छा लगा नहीं मुझे, टाइटीज से थी। बाकी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, फुटवेयर्स हैं, शॉर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, जैकेट्स हैं, पर मुझे टाइटी चाहिए थी। कार्ड सब करवा रहा है, क्रेडिट कार्ड बिल खुद ही भरेगा। ऐसे चलो फिर, ये हमारा पैक हो रहा है, चलें फिर अब। ठीक है, ये रिटर्न गिफ्ट हो गया। जा रहे हैं आईएलटी में बीकानेर पे जाएंगे, पहले कुछ खा के आएंगे क्योंकि इस महाशय ने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने तो खा लिया था खाना, चाय भी पी ली थी, पर चलो फिर चलते हैं कुछ खाते हैं, देखते हैं क्या खाएंगे फिर चलेंगे घर पे। ठीक है गाइस फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, देखते हैं हम क्या ऑर्डर करेंगे। अक्षर क्या खाएगा, पिज्जा खा लें या बीकानेर में चलेंगे देख लेंगे। ठीक है चलो फिर वहाँ पे जाके देखते हैं। हम घर की तरफ आ गए हैं, अब यहाँ पे खुशहाल छोले कुलचे लेने गया है क्योंकि इसे वहाँ पे कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि इसके फ्रेंड्स के फ़ोन आ रहे थे बार बार कि भाई आ जा जल्दी आ जा, तो इसके फ्रेंड्स इसे बुला रहे हैं। तो फिर ये कह रहे हैं कि पैक करवा लेते हैं फिर घर जाके खाएंगे। फिर अब उसके बाद हम घर चलते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं गाइस घर चल के। अब तो बच्चे भी स्कूल से आ गए होंगे तो वीर भी उठ गया होगा सो के, तो चलते हैं। वैसे ज़्यादा देर नहीं हुई, हम 1 बजे 1:15 बजे गए थे और अभी 2:30 बजे हैं, मतलब यही कोई 1.25 घंटे में आ गए। फिर मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद, ये आ गए लड़के। यस ब्रो, तो आप हम भाई छोले कुलचे खाएंगे, रेनू ने 60 रुपए दिए है मेरा रिटर्न गिफ्ट। 3,000 के बदले 60 रुपए इसने मैं बर्बाद कर दिया। अरे ससुरे जाते नहीं, मेरी बहन है ये, बड़ी बहन, पर मैं इसको छोटी बहन की तरह ट्रीट करता हूँ। कुत्ता आदमी है मतलब बर्थडे बॉय है, गुड। मैंने इसको बोल दिया मैं भाई जो तुझे चाहिए तू ले, बाद में मुझे कितने तगड़े लग रहे हो बता देना भाई, कमेंट करके बताओ कैसे लग रहे हो मेरे भाई। हाँ कोई कमेंट नहीं करके बताएगा तुझे कौन कैसा लग रहा है, कमेंट ही नहीं आते लगे शायद, कोई करता ही नहीं मेरे सब्सक्राइबर। तो भाई इसका कमेंट करा करो, सब्सक्राइब कम करा करो, पर इस पे कमेंट करा करो, सब्सक्राइब भी किया करो। हाँ मतलब कमेंट भी किया करो कि भाई जहाँ पे इसकी गलती लगती है वहाँ पे इसको कमेंट करके बताया करो कि बहन ये अच्छा नहीं लगा, या फिर जस्ट तू बताता है हर एक। चलो गाइस फिर मिलते हैं। इसमें कपड़े हैं बुआ जी के, इसमें छोले कुलचे हैं। तो गाइस हम आ गए हैं, अब ये बैठे बच्चे इनको दिखाते हैं, पजामे चेंज कर रही है शायद, इसने सुसु कर दिया। थैंक यू बच्चों, मामा हैप्पी बर्थडे। ये ईशु बैठी, ये माँ ऑरेंज खा रही है। तो गाइस ओए वीर हेलो, हाँ मम्मा दिख गई। तो गाइस अब उठाया, चलो मैं सही टाइम पे आ गई ना। वैसे वीर तो बाहर खेल रहा है अपनी मामी के साथ, दूध पी रहे, और ईशु और धविद जिद कर रहे हैं कि हम तो बुआ जी से पढ़ेंगे आज, मम्मा आप मत पढ़ाओ हम बुआ जी से पढ़ेंगे। तो भाई बुआ जी मैं तुम पिट जाओगे कोई से अगर गड़बड़ करोगे तो कह रहे हैं पिटना मंजूर है पर बुआ जी से पढ़ेंगे। मैं ठीक है चलो बैठो अपनी अपनी बुक्स निकालो, अब मैं इन्हें पढ़ाती हूँ। तो अब देखते हैं कोई सा चाटा खाता है या नहीं खाता। अपनी बुक्स निकाल रहे हैं अब, चलो निकाल लो फटाफट, पहले मैथ्स करेंगे ठीक है दावित, पहले मैथ्स की नोटबुक फिर उसके बाद करेंगे। तो गाइस देखते हैं, अब देखते हैं इनका क्या होमवर्क है। तो पहले दावित का देखते हैं क्या होमवर्क मिला है। अच्छा एडिशन के सम मिले हैं दावित को, तो इसे मैं समझा देती हूँ, करवाती हूँ इससे। चलो दावित करो इतने। अब ईशु आपको क्या होमवर्क मिला है, ईशु अपनी डायरी चेक कर रही है। तो देखते हैं गाइस
चलो फिर मैं इनका होमवर्क करा देती हूँ, फिर मिलते हैं। वीर देख रहे दीदी कैसे पढ़ रही है, आपको भी पढ़ना है वीर? बेटा बुक फाड़ दोगे आप? ओ मेरे नॉडी, गॉड ब्लेस यू। चलो पढ़ लो भाई। कैसे क्या करोगे आप? आपको शादी करवानी है, फिर शादी के बाद किसके घर में? क्यों आपको मन नहीं लगता इसके बिना? अच्छा और बुआ जी की शादी होगी, बुआ जी दूसरे घर में चली गई। लड़कियों की शादी होती तब लड़कियां जाती हैं, बेटा लड़के घर पे रहते हैं। ले बेटा, बेटा वो तो लगाना पड़ेगा। आपको मेरे बिना लग जाता है मन? नहीं लगता? फिर चाचा जी का भी नहीं लगता था मेरे बिना मन, अब उसका भी लग जाता है ना, तो ऐसे होता है बेटा। नहीं जाएंगे, उनकी शादी होगी फिर वे भी यहीं पे रहेंगे। मम्मी कहाँ जाएगी? मम्मी की तो शादी हो तो गई। आपके पापा से? और माँ जी? माँ जी की भी हो गई थी। आपके दादू से? अपनी नानी के साथ गए हैं, वो बुआ भाग में आई है परले तरफ, मतलब हमारे दूसरे वाले घर में, तो फिर वहाँ पे गए हैं वो दोनों, तो सब लोग वहीं पे चले गए हैं। बस ईशू पढ़ रही। नहीं माँ मैं नहीं आऊँ, आप लोग जाओ। तो मैं नहीं जा रही, मैं यहीं पे हूँ, क्योंकि फिर घर पे भी तो कोई रहना चाहिए। और ईशू अपना होमवर्क कर रही है, तो मैंने उसको बोला बेटा तू अपना थोड़ा सा होमवर्क कर ले फिर चली जाइयो, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कोल्ड होएगा। वो खुशहाल क्यों हो रहा था ना, उसने कर दिया रीटले से ने मेरे। तो फिर अब ईशू होमवर्क कर रही है, धवित और वंशिका अपनी मम्मा के साथ है, धवित का होमवर्क मैंने करा दिया। तो गाइस पता नहीं अब अजीब सा हो रहा है, वीर भी अपनी नानी के साथ चला गया और खुशहाल बाहर गया हुआ है अपने फ्रेंड के साथ। तो फिर अब देखते हैं हम क्या करते हैं। देखती हूँ मैं अंदर ही रहती हूँ, फ़ोन चलाती थोड़ा, मैं फ़ोन में भी बैटरी नहीं है इसलिए मैं फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ तब तक। तो गाइस मिलते हैं फिर थोड़ी देर। खा रही है खाना, ये धवित खा रहा है, हम वेट तो कर रहे हैं पिज़्ज़ा आएगा, पर हमें ज़बरदस्ती खाना खिलाया जा रहा है, ये मैं खा रही हूँ। खिलाया जा रहा है खाना कि खाना खा लो, मैं थोड़ा थोड़ा खाना खा लेती फिर पिज़्ज़ा खा लेंगे, क्योंकि फिर बना दिया तो खाना पड़ेगा। गाइस अब पिज़्ज़ा आ जाए फिर पिज़्ज़ा खाएंगे। धवित सोच रहा है कि बुआ जी खाना नहीं खाएगी, मैं ही खाऊंगा, तो कभी मुझे पिज़्ज़ा ना मिले। मैं धवित मैं अभी खाऊंगी, चिंता मत कर। तो वीर तो सो गया, अब हम खाना खा लेते हैं फिर उसके बाद चलते हैं। हैप्पी बर्थडे भाई, चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शान। मेरे बुआ फूफा आए हुए हैं आज, बुआ फूफा भी खिला दे। खाना खा लिया, मेरी नानी इसको खाना खिला रही थी, वो बुआ जी फूफा जी आ गए थे, वो बुआ भात नोतने आई है ना परले तरफ, परले घर पे, तो फिर आ गए थे मिलने, तो फिर वहाँ पे बैठ गए थे। तो वीर सो रहा था, फिर अब वीर उठ गया, तो अब उसके मामा का केक कट किया, हमने पिज़्ज़ा खाया, तो वीर ने अब खाना खाया, अब इसकी नानी खाना खा रही है, फिर नानी इसकी खाना खा के फिर गीतों में जाएगी। तो इतने वीर मेरे पास रहेगा, पता नहीं कैसे रहेगा इतने मेरे पास बिना नानी के। तो गाइस फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, अभी हम चलते हैं अंदर। तो गाइस अब पीते हैं दूध, और ये नहीं पता कौन सा मेरे वाला है, वो वाला है, एक बिना मीठे का एक मीठे वाला है, तो वो वाला खाऊं पीऊंगी जो मीठा है। तो दूध पीते हैं फिर सोते हैं, मम्मी यार अब आई हैं गीतों में से, तो अब मम्मी के पास गया है। गाइस अब आई हैं मम्मी गीतों में से, और अब वीर गए उतने, तो वो ना तो सोया ना वो कुछ हो, मतलब ऐसे बस चिड़चिड़ा सा हो रहा था। तो अब बस मम्मी वीर का मुंह साफ करने गई है, क्योंकि उसने अभी बिस्किट खाया था और दूध पिया था, उसे शायद भूख लगी थी क्योंकि रोटी भी अच्छे से नहीं खाई उसने। तो फिर अब उसे सुला देती हूँ, मैं भी अब दूध पीती हूँ फिर सोते हैं। तो फिर आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अब मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।